खबर आएगी, रूस और अमेरिका ने तुर्की में एक सीक्रेट बैठक की है। हालांकि इस बैठक की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई। ये खबर ऐसे समय आई जब रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए और पुतिन पहले से ज्यादा आक्रामक लगे। लेकिन इसी बीच खबर उड़ी कि तुर्की में रूस और अमेरिका ने सीक्रेट मीटिंग की है, जिसमें रूस की तरफ से वहां की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वाइस चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने हिस्सा लिया। अमेरिका की ओर से उसकी उप विदेश मंत्री और अमेरिका की यूक्रेन पॉलिसी के पीछे का दिमाग मानी जाने वाली विक्टोरिया न्यूलैंड बैठक में शामिल हुई। मतलब ये कि अगर रूस और अमेरिका ने मीटिंग की है तो कुछ तो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद रूस और अमेरिका ने एक दूसरे के खिलाफ खूब आग उगली। यही नहीं, नॉर्वेजियन सी में रूस ने ड्रिल करके अमेरिका को खुली चुनौती दे डाली। और इसी बीच ये खबर उड़ी जिसने दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि अगर ये सीक्रेट मीटिंग हुई है तो फिर कुछ तो बड़ा होने वाला है। इधर दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के दौरान 6 जनवरी को हुए बवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने चुनाव के दौरान हुए हंगामे के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पार्षदों की शपथ रोकने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल की गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। 6 जनवरी को मेयर के चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम के सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया था। उधर कोरोना वायरस पर चीन के झूठ की पोल सैटेलाइट तस्वीरों ने खोल दी। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जीरो कोविड पॉलिसी को हटाए जाने के बाद से वहां केवल 40 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई, जबकि चीन के अस्पताल और कब्रिस्तान इस दौरान पूरी तरह से भरे हुए नजर आए। अमेरिका की निजी सैटेलाइट कंपनी मैक्स आर ने कुछ तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें चीन के 6 शहरों के कब्रिस्तानों के बाहर की बताई गई। दावा किया गया कि वहां की पार्किंग में इतनी गाड़ियां दिखी जितनी पहले कभी नहीं देखी गई। यहां तक कि पार्किंग के पास लगी फसल को काट कर पार्किंग की जगह बनानी पड़ी। इसके अलावा कुछ ऐसी गाड़ियां भी दिखाई दी जिनमें चीन क्वारंटीन टेंट बनाया करता था। माना जा रहा है कि इनमें कई शवों को एक साथ रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि चीन के लोग एक साथ रखे शवों की तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में भी रिकॉर्ड न कर पाए। चीन में कोरोना विस्फोट की खबरें दुनिया तक पहुंचने की सबसे बड़ी वजह वायरल वीडियो ही बने थे, जिन्हें खुद वहां के लोगों ने रिकॉर्ड किया था। लोगों के लंबे आंदोलन के बाद चीन में जीरो कोविड पॉलिसी 7 दिसंबर को खत्म कर दी गई थी, तभी से चीन में कोरोना विस्फोट की शुरुआत हुई। लेकिन चीन का दावा है कि 7 दिसंबर से अब तक केवल 40 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने अनुमान लगाया कि वहां रोजाना करीब 25,000 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ रहे हैं। मतलब ये कि दिसंबर के बाद से वहां लाखों लोगों की मौत का अनुमान लगाया गया। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो गया कि चीन के सरकारी आंकड़े सच्चाई से कोसों दूर हैं। इस बीच खबर है कि चीन ने दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगा दी। कुछ रोज पहले ही इन दोनों देशों ने चीन से आने वाले लोगों के लिए कोरोना जांच जरूरी कर दी थी, जिसके बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगा दी। असल में कोरोना चीन में तबाही मचा रहा है। जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म करने के बाद बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी दौरान चीन ने बॉर्डर खोलने का फैसला कर दूसरे देशों को हैरान कर दिया, जिसके बाद कई देशों को ये चिंता सताने लगी कि कहीं चीन की वजह से उनके यहाँ महामारी न फैल जाए। इसी वजह से दक्षिण कोरिया और जापान ने चीन से आने वाले लोगों की जांच जरूरी कर दी, जिसके बाद चीन ने पलटवार करते हुए इन दोनों देशों के नागरिकों के लिए शॉर्ट टर्म वीजा जारी करने पर पाबंदी लगा दी। इधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गहरी खाई में गिरने से 3 जवान शहीद हो गए। हादसा कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में गश्त के दौरान हुआ, जहां बर्फीले इलाके में 3 जवान रोज की तरह गश्त पर थे, लेकिन बर्फ से ढके रास्ते पर फिसलने की वजह से तीनों गहरी खाई में जा गिरे, जिसमें एक JCO और 2 जवान शहीद हो गए, जिनके शव सर्च ऑपरेशन के बाद खाई से निकाल लिए गए।